बॉडी की टेंडरनेस चेक करें, आप ये हाथ लगा रहे हैं। 10:30 बजे रीफिलिंग होगी सारी। अकेला ही खड़ा है, वन मैन आर्मी है। और ये कौन सी लाल बोटी है ये वाली? हाँ जी, हाँ जी, लाल बोटी है। ठीक है, वो कह रहा था मुझ पे कैमरा मारे, मैं हुक्का पी रहा हूँ। मैंने कहा भाई आप भी आ जाएंगे कैमरे में, और बताएं। ठीक हो गया जी? ठीक है। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी माशाल्लाह। इंशाल्लाह मजा भी आएगा। जी रेडी हो गया जी हमारा? हाँ जी, रेडी। अंदर से बहुत ज्यादा सोगी नहीं है कि ये पाई जो है ना ये भी कमाल है माशाल्लाह। और चने जो आपके हैं वो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे वैसे, लेकिन बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। भुना हुआ जीरा या सादा, मुझे नहीं पता वो कैसा है, लेकिन वो लाहौर में बड़ा कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हाफिज़ साहब को क्रेडिट देते हैं पहले जाके, मतलब क्या बात है यार। आप ये मैं आपको कैसे दिखाऊँ, ये आप ऐसे कर रहे हैं, ये में जबरदस्त जो चीज है ना जो मैंने पहली बार ट्राई की किसी भी चनों में, वो है जी जीरा। ये मछली की बोटी है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। और ये बोंग की बोटी होगी। शोरमे का अलग एक फ्लेवर है। को अगर इंडिविजुअल एक एंटिटी अपनी बनानी ना, तो उसके लिए बड़ा जीरा चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, सरदार ज़फ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई जगह पे। उम्मीद है आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली बेहतर होंगे। आपका भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। सीन कुछ ऐसा है भाई, आपका भाई सुबह सुबह फिर निकला हुआ है नाश्ते की तलाश में। अभी नमाज अदा की थी और क्रेविंग हो रही थी नाश्ते की, क्यों अच्छे से नाश्ते की, तो सदर गया। सदर में ना समझ नहीं आई मामला, तो उसके बाद धर्मपुरे से आगे जा रहा था, तो धर्मपुरे पर ही आपका भाई स्टॉप कर गया इस पर। ये है जी लाहौरी मुर्ख चने। अब ये इनका सेटअप जो है ना, वो मैं एग्जैक्ट लोकेशन पिन कर दूँगा ताकि आपको आने में आसानी हो। और इनका ना सेटअप बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। ये हैं भाई, और ये माशाल्लाह इनका ना जो कमाल सेटअप है ना वो ये है। ये इस तरफ ये रखा हुआ है इन्होंने, ये इसके बाद मतलब पाई वगैरह है माशाल्लाह, बॉम्ब वगैरह है, और इस तरफ ये हैवी किस्म के चने आ गए माशाल्लाह। तो ये सीन है भाई का माशाल्लाह, खुशबू बढ़िया ला रही है, और वो बंदा ही बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। वो बड़ा ना, मैं जब गया तो हेजिटेट हो गया कि जी कौन कौन, मैंने कहा यार ब्लॉग बनाना है। फिर वो बड़ा खुश हो गया कि जी ब्लॉग ब्लॉग बन रहा है। तो भाई से गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मोहतरम? ठीक है। कैसे हैं मोहतरम? ठीक है आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हमने लोकेशन समझाया, किस जगह पे बैठे हैं? लोकेशन हम धर्मपुरा में। धर्मपुरा है मेन चौक है या बस? नहीं, मेन बाजार के बिल्कुल साथ। अच्छा, और ये यहाँ से जब आप आएंगे ना, मियां मीर नान शॉप, ये बहुत ही मशहूर है। अच्छा, ये मियां मीर जो शॉप है ना, इसके बिल्कुल साथ ही। हाँ, इसी के साथ ही हमारा। तो आपके पास क्या क्या होता है जी? हमारे पास ये स्पेशल चने होते हैं। अच्छा, इसमें चिकन वगैरह भी है? हाँ जी, हाँ जी, चिकन वगैरह। सादा चिकन है, बॉयलर चिकन है या दूसरा देसी है? रेलर। अच्छा अच्छा, रेलर। जबरदस्त। फिर इस तरफ क्या है ये? इसके अलावा हमारे पास बोंग पे है। अच्छा जी, हाँ, ये चीज दिखाने वाली है माशाल्लाह। ये क्या है जी? ये बोंग शोंग है, मछली की बोटी है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। और ये बोंग की बोटी होगी। और इसके प्याले का क्या हिसाब है? ये फुल 600 300। अच्छा, फुल 600 का है। हाँ, 300। अच्छा, का और बोटी जो भी डलवाएं आप? जी जी, जो भी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जबरदस्त। ये स्पेशल होते हैं, और नान ताज़ा नान, फ्रेश नान मिलेगा इधर से, बिल्कुल फ्रेश। क्या नाम है आपका? हाफिज साहब। अच्छा, ये हाफिज साहब है माशाल्लाह। और हाफिज साहब ना बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं माशाल्लाह। 600 का और 300 का मेरे ख्याल में कुछ कह रहे थे। और वो प्याला जो है ना वो भी इट सेल्फ अपने ऊपर है कि आप जैसे मंगवाएं। और इनका शोरमा जो है ना वो भी आपको दिखा देते हैं। ये है जी इनका शोरमा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और टाइमिंग क्या, किस टाइम आते हैं सुबह को? टाइमिंग हम सुबह 5:30 से 1:30 तक। अच्छा, 1:30 बजे तक इधर ही होते हैं माशाल्लाह। और संडे वाले दिन भी यही टाइम है? संडे वाले दिन भी यही टाइम। ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो लगा दें यार एक हमें अच्छा सा प्याला इसका लगा दें, बॉम्ब का, और थोड़े से चने टेस्ट करें। तो अब हाफिज़ साहब हमारा, अब हाफिज़ साहब इन्होंने कह दिया तो ये बड़े मौज़ब हो गए हमारे लिए माशाल्लाह। तो ये हाफिज़ साहब ना बोटी वाला सीन बना रहे हैं माशाल्लाह। ये कौन सी लाल बोटी है ये वाली आप? हाँ जी, हाँ जी, लाल बोटी। ये डाल, ये लाल बोटी हो गई, ये होगी पावे की बोटी डाल रहे हैं आपके लिए, और ये आपके लिए मछली की बोटी आ गई। अच्छा, आप सब ये वाला और ये वाला शोरमा सेम है ना? हाँ जी, हाँ जी, सेम ही है। अच्छा अच्छा जी जी। जबरदस्त जी, रेडी हो गया जी हमारा? हाँ जी, रेडी हो गया। तो अब हाफिज साहब से हम लगवा रहे हैं जी चने। हाफिज साहब सिर्फ चेक करने के लिए आपके चने ना, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी माशाल्लाह। इंशाल्लाह मजा भी आएगा। ये आप लोग खुद पकाते हैं? आप बनाते हैं? हाँ जी, हम खुद बनाते हैं। अच्छा, मतलब इनके जो मेन कारीगर साहब है ना वो हाफिज साहब खुद है माशाल्लाह। वो शेफ भी हैं और माशाल्लाह इधर खुद दे भी रहे हैं। तो इनका इस तरफ रोटियों शोटियों वाला सीन भी है माशाल्लाह, अच्छा है। और इसकी लोकेशन आपके भाई ने आपको बता दी, आप चलते हैं इसको ट्राई करते हैं और होपफुली ये अच्छा होगा। अच्छा, एक लाहौर में ना बड़ा नॉर्मल कल्चर है कि ये वाला सीन जो नज़र आ रहा है ना, ये है जी हुक्का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है आप? वो कह रहा था मुझ पर कैमरा मारे, मैं हुक्का पी रहा हूँ। मैंने कहा भाई आप भी आ जाएंगे कैमरे में, और बताएँ। ठीक हो गया जी? ठीक है जी, ओके ओके हो गया। अच्छा, यहाँ नान शान हमारे तैयार हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, एक हैवी किस्म का नान लगा के दे देंगे।
हाफिज साहब के कहने, हाफिज साहब आप जरा अपना कोई प्रोटोकॉल यूज़ करें। अच्छा ये आपके जानने वाले हैं? हाँ जी एक ही सर। अच्छा चलें अब चलते हैं। हाफिज साहब मैं वेट कर रहा हूँ फिर आपके नाश्ते का, ठीक है? ज़बरदस्त माशाल्लाह, हाफिज साहब का ना सीन बहुत क्रेजी है। और सिर्फ अगर आपको यहाँ से ऐसे दिखाया जाए ना तो ये सीन माशाल्लाह ना बहुत। और इस तरफ ये नाश्ता है और ये है जी हाफिज साहब। हाफिज साहब ज़बरदस्त माशाल्लाह। और हाफिज साहब क्या कहते हैं ये सारा निकल जाता है रोज़ आप बनाते हैं ये? अच्छा फ्रेश बनाते हैं रोज़? अच्छा 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 10:30 बजे रीफिलिंग होगी सारी? सही सही, मतलब ये वो हाफिज साहब कह रहे हैं सारा ख़त्म हो जाता है और फिर हम 10:30 बजे इसको फिर से मंगवाते हैं। तो ये तो हो गया सीन ज़बरदस्त। अच्छा भाई तो हाफिज साहब बड़े अच्छे बंदे थे माशाल्लाह, और क्या कहते हैं बड़ा मेहनती बच्चा था मुझे। वो कहता था मैं सुबह उठता हूँ 3 बजे और इसको ना सारा मतलब ये रात को बॉयल हो रहे होते हैं 3 बजे उठ के इसको हम पकाते हैं तो उसके बाद मैं बनाता हूँ। और वो सेल्फ मेड जैसे इंडिविजुअल होता है ना वो वैसा है, और अकेला ही खड़ा है, वन मैन आर्मी है। और उसके सामने एक बहुत बड़ा पायो वाला बैठा है, मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता। तो उनका सेटअप बहुत अच्छा है और ये उसके बिल्कुल सामने आके अपना सेटअप लगा दिया रोड के ऊपर। तो इस ये एंटरप्रेन्योर है जो हम बिज़नेस में किसी ज़माने पढ़ते थे ना यूनिवर्सिटी में, नदीन साहब हमें पढ़ाते थे। तो मुझे याद है वो कहते थे कि जिगरा चाहिए बिज़नेस के लिए ना, आपको अगर इंडिविजुअल एक एंटिटी अपनी बनानी ना तो उसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए। तो हाफिज़ साहब के अंदर मैंने वो नोट किया है माशाल्लाह। तो अब हैवी किस्म की बुर्की लगाती हैं पायों की, जिस वजह से आपका भाई आया ये है जी ज़बरदस्त सा नान। और हाफिज़ साहब के पाए ना वो सबसे कमाल बात मुझे पता है क्या लग रही है, इसका जो शोरूम है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। अब सबसे पहले ये उठाते हैं जी, हाय 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 हाय, मैं अगर आपको ऐसे करके दिखाऊँ ना तो ये सीन है, ये आप हाथ लगा रहे हैं और ये बोटी लग रही है माशाल्लाह। तो ये तो हो गया मज़े का माशाल्लाह, ये बहुत आला है। अब एक बुर्की बनाते हैं हैवी किस्म की, ये आ गई जी बॉम की बोटी, और इसके साथ आपका भाई इस शोरबे को अच्छी तरह डिप कर रहे हैं। और ये पूरा नान ना सोक हो चुका है और उस सोक होने की वजह से ना वो अंत किस्म का फ्लेवर आ रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओए 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 कैसे बताऊँ, गरम मसाला है और शोरबे का बड़ा ऑथेंटिक फ्लेवर आ रहा है अलग सा, वो उसके गोश्त के साथ नहीं है, जैसे गोश्त का अलग अरोमा होता है ना वैसा कुछ नहीं है। गोश्त टेंडर है, शोरबे का अलग एक फ्लेवर है, ये कमाल बात है माशाल्लाह। और बहुत ज़्यादा कोई शट्टू लेवल नहीं है लेकिन अच्छा है माशाल्लाह, मतलब जितनी मुझे लग रही थी ना उम्मीद वैसा है माशाल्लाह। तो एक और बुर्की उठा दे, ये पाए वगैरह दिए हैं साथ, और मतलब आप बोटी की टेंडरनेस चेक करें, आप ये हाथ लगा रहे हैं और ये हैवी किस्म की बुर्की तैयार। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाइन आउट ऑफ टेन है सिर्फ इसके शोरबे के, जो बीफ है वो अलग से टेंडर है लेकिन वो इतना मतलब जैसे कहते हैं ना जुड़ा हुआ शोरबे के साथ, वो नहीं है अलग सा है, उसका अलग एक अरोमा है। और शोरबे का ना कमाल किस्म का गर्म मसाले का अरोमा है। ये अभी अभी उन्होंने नान दिया माशाल्लाह, ऐसा हैवी किस्म का नान, मैं कहता हूँ क्या बात है माशाल्लाह। अब बारी है जी चनों की, और चने मैंने वैसे कॉम्प्लीमेंट्री मंगवा लिए थे, मैंने कहा हाफिज़ साहब ज़रा चने भी चेक कर लेंगे, हर जगह के चने चेक किए फिर हाफिज़ साहब ये ना कहे मेरे चने चेक नहीं किए। तो अब अगर आप गौर से देखें ना तो इसके अंदर आपको गरम मसाला नज़र आ रहा होगा और ज़ीरा नज़र आ रहा होगा, ये ज़ीरा भुना हुआ ज़ीरा उन्होंने डाला है। और चनों में ज़ीरा बड़ा कम होता है लाहौर में, वो काले चने करके बेचते हैं कि ये काले मिर्चों वाले हैं और वो सीन नहीं होता। ये हैवी किस्म की एक बुर्की चनों की, तीन माने जितने एक हैवी चने आपके भाई ने खा लिया ना आजकल खासकर मोते के, और उसके बाद तो अल्लाह करे वैसा टेस्ट हमें कहीं मिल जाए, बहुत ही आलस सीन है। अंत किस्म के गले हुए, और इसका शोरबे का ना सेम फ्लेवर आ रहा है उसका और इसका चनों का, पता नहीं कैसा है लेकिन इसमें ज़बरदस्त जो चीज़ है ना जो मैंने पहली बार ट्राई की किसी भी चनों में वो है जी ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा मैंने कहीं भी नहीं खाया आज तक, चाहे बड़े से बड़े चने ट्राई किया। अब आपका भाई एक हैवी किस्म की, और ये चने ना बिल्कुल वो उसकी तरह है, ऊपर से सख्त सख्त है और अंदर से बहुत ज़्यादा सोगी नहीं है, ये देखें ना ये चना है, और जब आप इसको ऐसे कर रहे हैं तो ये फ़ौरन आपके हाथ में निकल रहा है, और ये छोटा चना है बॉयल किया हुआ, साइज़ होती है ना चनों की। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ऑर्डर 9 out of 10, और ये जो है इसको आप प्रॉब्ली कर लें 8 out of 10, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। आपने तो बंदा बड़ा अच्छा है, सबसे बड़ी बात यह मैं बार बार कहता हूँ किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसका है ओनर। ओनर अच्छा है, ओनर लोगों को डील करना जानता है, ओनर बिज़नेस को रन कर लेगा, वो बिज़नेस को कहीं भी लेके जा सकते हैं, और अगर आप टेस्ट को मेंटेन करते हैं तो ये सबसे कमाल बात है माशाल्लाह। अब एक और बुर्की लेते हैं, आपको पायों की दिखाते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये है जी हैवी किस्म के
मतलब क्या बात है यार, आप ये मैं आपको कैसे दिखाऊँ, ये आप ऐसे कर रहे हैं, ये गोश्त अलग कर रहा है, मतलब इतना एक शंटू लेवल सीन है। और अब आपका भाई इसको ऐसे ऐसे कर रहा है ताकि वो ना चोरमा इसके अंदर रच जाए। हैदरी बोंग पाई का एक व्लॉग आपके भाई ने बनाया, एग्जैक्ट इसका वही फ्लेवर आ रहा है और है भी उसी साइड में रखा। तो ऊपर ये एफर्ट अच्छी लगी होगी, आगे चलते हैं। हाफिज साहब को क्रेडिट देते हैं पहले जाके कि वो बेचारा मेहनत कर रहा है और बड़ी अच्छी स्ट्रगल कर रहा है। अगर यही आपका धर्म पूरे से गुजरना हो सदर से जब आप आएंगे तो सुबह के टाइम यहाँ बैठे होते हैं, इन्जॉय करें। अच्छा हाफिज साहब, मैं सिर्फ ये आपको कहने आया हूँ कि अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत ही कमाल जाएगा आपका, आपके चने बहुत ज़बरदस्त है। और चनों में ना मैंने एक चीज़ नोट किया जो लाहौर में बड़ी कम नोट किया, मैंने आपको बता दूँ, ये जो आप इसके अंदर ज़ीरा ऐड नहीं कर रहे, भुना हुआ ज़ीरा या सादा मुझे नहीं पता वो कैसा है, लेकिन वो लाहौर में बड़ा कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो काली मिर्चें करके बेच रहे हैं। हाँ, वो काली मिर्चें सिर्फ करके बेच रहे हैं कि जी हम काली मिर्चें डालते हैं, ज़ीरा वगैरह नहीं होता, लेकिन आपका मैंने प्रॉपर नोट किया माशाल्लाह। बहरहाल आपके ये पाए जो है ना ये भी कमाल है माशाल्लाह, और चने जो आपके हैं वो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे वैसे, लेकिन बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपके रिज़्क़ के हलाल में बरकत दे जी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप चलते हैं इन भाई के पास, और ये इनका सेटअप है माशाल्लाह, और इनसे एक हैवी किस्म की ना अपने लिए लस्सी वगैरह बनवाते हैं माशाल्लाह। अच्छा भाई ये शॉप है, आप पता नहीं ये भी धर्मपुरे के अंदर आती है मेरे ख्याल में, बस बहरहाल आप लस्सी चेक कर लें। ये है जी लस्सी, ऊपर उन्होंने मलाई वगैरह डाल के दे दिया, और होपफुली वो हाफिज़ साहब के ना आपको सेटअप समझ आया होगा। बड़ा अच्छा बंदा था और बड़ा ही मेहनती बंदा था, सबसे कमाल बात क्या है, आप स्ट्रगल कर रहे हो ना स्ट्रगल के मोड में, तो उसको कम से कम अप्रिशिएट करना चाहिए। तो होपफुली ये सारी एफर्ट आपको आपके भाई की अच्छी लगी होगी, तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में एक नई जगह पर आपका भाई सरदार पर एक बलाजर रहेगा। तब तक अपना अपने प्यारों को और जो बीमार हैं प्लीज़ उनका बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सरदार सफर इकबाल के नाम से। फी अमान अल्लाह।